राहुल गांधी आज 54 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन को मनाने के लिए कांग्रेसियों ने काफी तैयारियां की हैं। इस बार उनका यह बर्थडे बेहद खास है। यूपी में कांग्रेस की वापसी, राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन को मजबूती समेत कई ऐसी उपलब्धियां हैं जिन्होंने राहुल गांधी के जन्मदिन को खास बना दिया है। चलिए जानते हैं राहुल गांधी के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली के होली फैमिली हॉस्पिटल में हुआ था। उनके जन्म के दौरान पिता राजीव गांधी मौजूद थे। 2019 में केरल की रिटायर्ड नर्स राजम्मा वावाथिल ने पीटीआई को दिए गए एक इंटरव्यू में दावा किया था, राहुल गांधी का जन्म होने पर उन्होंने ही सबसे पहले गोद में उठाया था। उनका जन्म भारत में ही हुआ, उन्हें विदेशी नहीं कहना चाहिए। राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा से 2 साल बड़े हैं। प्रियंका गांधी 52 साल की हैं, जबकि राहुल 54 साल के हैं। 54 साल की आयु में भी राहुल गांधी ने अभी तक शादी नहीं की है। उनकी शादी को लेकर लालू यादव भी चुटकी ले चुके हैं। एक बैठक में उन्होंने राहुल गांधी से खुले मंच पर कहा था, शादी कीजिए, हमें आपकी बारात में चलना है। इसका जवाब राहुल गांधी ने मुस्कुराकर टाल दिया था। वहीं कुछ समय पूर्व सोनिया गांधी से मिली महिलाओं ने भी राहुल गांधी की शादी कराने की बात कही थी। इस पर सोनिया गांधी ने बहू तलाशने के लिए कहा था। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राहुल गांधी घर पर ही पढ़े। इसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में उन्होंने शिक्षा ली। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद वो फ्लोरिडा चले गए, वहां उन्होंने पढ़ाई की और इसके बाद 1994 में उन्होंने कैम्ब्रिज से स्नातक की डिग्री ली और भारत लौट आए। राहुल गांधी का राजनीतिक सफर 2003 से शुरू हुआ था, जब वो अचानक कांग्रेस के कार्यक्रमों में नजर आने लगे। 2017 में सोनिया गांधी ने जब कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ा, तब राहुल गांधी ने पार्टी की कमान संभाली। हालांकि उस दौरान मोदी लहर के चलते पार्टी को कई राज्यों में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। 2019 में भी पार्टी की हालत और खराब हो गई और इस दौरान भी राहुल ने धैर्य नहीं छोड़ा और पार्टी को बढ़ाने का प्रयास करते रहे। इस दौरान उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा तक दे दिया। 2023 में मोदी उपनाम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में उन्हें 2 साल की सजा हुई, जिसके कारण उन्हें अपनी सांसदी तक गंवानी पड़ी और इसके बावजूद उन्होंने धैर्य नहीं खोया। 2023 में राहुल गांधी ने साउथ से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, जैसे उनके बयान ने लोगों के दिलों पर काफी जगह बनाई। उनकी भारत जोड़ो यात्रा भारत के ज्यादातर राज्यों को कवर कर चुकी है। ये बीते 2 दशकों में किसी भी भारतीय नेता द्वारा की गई सबसे बड़ी पदयात्रा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपनी सफेद टी शर्ट को लेकर काफी चर्चा में रहे। बेहद सर्द मौसम में उन्हें सफेद टी शर्ट में देखकर लोग हैरत में पड़ गए। उनकी उस सफेद टी शर्ट को लेकर लोग आज भी बेहद अचंभित हैं। हालांकि राहुल गांधी अब उस टी शर्ट में कम ही नजर आते हैं। राहुल गांधी ने अरावली के पहाड़ों पर निशानेबाजी सीखी है। इसके अलावा उन्हें जहाज उड़ाने का भी शौक है, वो हवाई जहाज उड़ाना सीख चुके हैं। इसके अलावा रोज वो जॉगिंग भी करते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के साथ मिलकर बेहद सधे अंदाज में प्रचार किया। उनकी सादगी और आम लोगों से मेलजोल लोगों को काफी भाया। शायद यही वजह है कि यूपी में कांग्रेस अमेठी और रायबरेली की सीटें जीतने के साथ ही 6 सांसदों के साथ कमबैक करने में कामयाब रही।